हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक वर्मा फ्रॉम गिरी पब्लिक इंटर कॉलेज। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसको कितनी ब्रांच में बांटा गया है और 12th क्लास में कितने लेसन जो हैं आपके इंक्लूड किए गए हैं और थोड़ा सा रिप्रोडक्शन जो पहला लेसन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी कहलाती है। फिर देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके पार्ट कितने हैं बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी के तीन पार्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। जूलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जून प्लस लॉजी, मींस जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि जंतुओं का अध्ययन करना वह आपका जूलॉजी कहलाता है। नंबर दो पे आता है बॉटनी। बॉटनी मीन्स होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के समस्त क्रियाओं का, जनन के बारे में, उसके जीवन के बारे में अध्ययन करना जो है बॉटनी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी इसको क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बहुत छोटे जंतु होते हैं उनका अध्ययन। यहाँ पे आए ध्यान दीजिएगा, दो शब्द होते हैं यहाँ पे, माइक्रो होता है एक मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। अर्थात कह सकते हैं कि हम इसके अंतर्गत वायरस का, जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का अध्ययन जो है करते हैं। फिर देखते हैं कि कक्षा 12 में कितने लेसन आपके लिए गए हैं। तो कक्षा 12 में 5 लेसन जो है इंक्लूड हैं और इसमें देखते हैं लेसन्स के अबाउट। पहला लेसन जो है आपका रिप्रोडक्शन है, दूसरा है जेनेटिक ऑफ एवोल्यूशन और थर्ड लेसन है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेंट्स और आपका जो 5 लेसन है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। मीन्स इतने लेसन जो हैं आपको 12th क्लास में स्टडी करने हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट लेसन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला लेसन जो है जीवों में जनन, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सबसे पहले कहेंगे कि जनन क्या है। तो कह सकते हैं कि जीवधारियों का वह लक्षण जिसके द्वारा एक जीवधारी अपने समान संतति को जन्म देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने सदस्य संतानें उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी प्राणी या कोई भी छोटा बड़ा जंतु अपने ही जैसे संतानें उत्पन्न करता है। बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। तो रिप्रोडक्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ है इसका अगेन प्रोडक्शन, दोबारा उत्पाद करना, ठीक। री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद। अब देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं जनन के। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स अलैंगिक जनन। सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स लैंगिक जनन। और थर्ड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में इतना ही और अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए हमारे विद्यालय के चैनल GPS ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले भी वीडियो सीरियल वाइज मिलते रहें। और सभी जो स्टूडेंट हैं वो नोट्स ज़रूर बनाते रहें।